अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी बाय ग्लास कैलोरीमीटर। तो व्यूअर्स, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। व्यूअर्स, एंथैल्पी जो है एक स्टेट फंक्शन है। हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इसकी इनिशियल वैल्यू का आइडिया हो और हमें उसकी फाइनल वैल्यू का आइडिया हो, तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि एंथैल्पी को लैब के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हम देखेंगे आज इस मेथड से, वो है ग्लास कैलोरीमीटर की मदद से। व्यूअर्स, सबसे पहले ग्लास कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर में हम लैब के अंदर इस तरह से इसको बना सकते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है। इसको व्यूअर्स हम एक और बड़े बीकर में रख लेते हैं। इस सिस्टम को हम इंसुलेट करने के लिए यहां पे कॉटन रख लेते हैं। मैं लिख देता हूं कॉटन बोर्ड। अब व्यूअर्स, इसके अंदर हमने हैंग किया होता है एक थर्मोमीटर। और साथ में एक स्टरर। फिर इसको लेबल कर लेते हैं हम। साथ में व्यूअर्स, इसको हम एनक्लोज कर देते हैं लिड के थ्रू। अब व्यूअर्स, जिस भी हमने रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करना होता है, हम उन रिएक्टेंट्स को यहां पे सॉल्यूशन फॉर्म में मिक्स कर देते हैं बाय टेकिंग देम इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स। जैसे कि हम इधर यहां पे व्यूअर्स सपोज कर लेते हैं कि हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां पे हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, और इनकी व्यूअर्स हम अप्रोप्रिएट अमाउंट्स लेंगे, जो कि हमें पता है दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं, तो हम इक्वल अमाउंट्स ले लेते हैं इनकी और उसको यहां पे मिक्स कर देते हैं। अब इस रिएक्शन के दौरान या तो हीट रिलीज होगी या हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और दोनों केसेस में थर्मोमीटर जो है ये हमें उस टेम्परेचर वेरिएशन को कैलकुलेट करके बता देगा। सिर्फ व्यूअर्स, एक पॉइंट यहां पे बताता चलूं कि जो हम ये यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके केस में हीट जो है वो रिलीज होगी, और व्यूअर्स हीट रिलीज और एब्जॉर्ब का एक तो थर्मोमीटर से हम हेल्प लेते हैं, उसके अलावा बीकर को अगर हम टच करें तो अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो बीकर कूल डाउन हुआ होगा पहले से, और अगर हीट रिलीज होगी तो बीकर हीट अप होगा। और कॉटन वूल का फंक्शन यहाँ पे क्या है कि इस रिएक्शन के नतीजे में जो भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है उसका लॉस ना हो और हम उसको करेक्टली मेजर कर सके। तो व्यूअर्स, ये है एक कंस्ट्रक्शन ग्लास कैलोरीमीटर की और उसकी एक बेसिक सी वर्किंग। और जब हम ये इसको रिएक्शन को करवा लेते हैं ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर, तो फिर हम एक फार्मूला यूज करते हुए किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो फार्मूला है टू कैलकुलेट एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा
टी। व्यूअर्स यहां पे एम जो है दैट इज मैस ऑफ सॉल्यूशंस, और व्यूअर्स जो एस है यहां पे दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो व्यूअर्स ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है एक्चुअली हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अब व्यूअर्स इसके साथ यहां पे जो तीसरा फैक्टर हमारे पास है डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं टी टू माइनस टी वन करके विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ये व्यूअर्स इसकी वर्किंग ग्लास कैलोरीमीटर की और जो फार्मूला हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि हमने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl सॉल्यूशन को यहाँ पे मिक्स किया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में जो एंथैल्पी चेंज आएगी उसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने एक डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस डेटा को यूज करते हुए देखेंगे कि हम इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट्स विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहां पे व्यूअर्स रिएक्शन क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर दैट इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब व्यूअर्स इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के दौरान हीट जो है वो टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हीट रिलीज हुई है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हमने इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। पर सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये जो हमने लिखी है इसका डेटा लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। डेटा में व्यूअर्स हमें गिवन है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ HCl दैट इज अगेन 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा व्यूअर्स हमें जो गिवन डेटा है उसके अंदर मोलैरिटीज दी हुई है, तो हम लिखते हैं मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 0.5 m, और इसी तरह ही मोलैरिटी ऑफ HCl भी गिवन है दैट इज 0.5 m। फर्दर अगर हम देखें इस डेटा में हमें क्या गिवन है तो वो टेम्परेचर है, एक वो टेम्परेचर जिसपे हम रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इधर लिखेंगे T1 और दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब व्यूअर्स इस टेम्परेचर को हम यहीं पे केल्विन में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी है उसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, तो हम यहीं पे इधर इसमें 273 ऐड करके इसे केल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो दैट वुड बी इक्वल 298 K। इसी तरह व्यूअर्स जो नेक्स्ट हमें टेम्परेचर गिवन है दैट इज T2 और वो है हमारे पास 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम केस हम इसमें भी 273 ऐड करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 301.5 K। व्यूअर्स हमें फार्मूला में चाहिए डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है उसको हम लेंगे डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और व्यूअर्स ये आ जाएगा हमारे पास T2 है 301.5 माइनस 298 K और ये आएगा 3.5 K। इसके अलावा व्यूअर्स इस डेटा से हम अब देखेंगे
कि हम इनके वॉल्यूम्स को यूज करते हुए इनके मैसेस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये रिएक्शन चूंकि एक्वस मीडिया में हो रहा है वाटर के अंदर डिजोल्व करके, तो हम ये कह सकते हैं कि मैस ऑफ 1 cm³ ऑफ H2O इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ग्राम। अब चूंकि हमारे पास वॉल्यूम कितने गिवन है, इसका भी 100 cm³, इसका भी 100 cm³, तो हम कह सकते हैं सो मैस ऑफ 100 cm³ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। अभी वैसे हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है 200, तो मैं इधर लिख लेता हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर दैट इज इक्वल टू 100 + 100 200 cm³। तो इसका मैस हो जाएगा, हम कह सकते हैं टोटल मैस वुड बी इक्वल टू 200 ग्राम्स। इसके अलावा व्यूअर्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। तो वाटर के केस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S, दैट इज इक्वल टू 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। अब व्यूअर्स, इन सभी वैल्यूज को हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और इसमें पुट करते हैं। वी नो दैट Q इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बस मैस हमारे पास आ चुकी है यहां पे 200 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, और डेल्टा टी जो हमारे पास निकला है डेट इज 3.5। इन सब को के व्यूअर्स, इनको जब सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2940 जाउल्स। अब व्यूअर्स, इस हीट को अगर हम किलो जाउल में चेंज करना चाहें तो हम कहेंगे इन किलो जाउल्स क्यू इज इक्वल टू 2.94 किलो जाउल। यहां पे व्यूअर्स हमने ये देखना है चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हम कहेंगे एस हीट इज रिलीजिंग, और वी कैन से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी Q इज इक्वल टू -2.94 किलो जाउल। व्यूअर्स, ये वैल्यू जो आई है ये तो आ गई हमारे पास इस टोटल रिएक्शन मिक्सचर की। अगर हम निकालना चाहे फॉर 1 मोल ऑफ एसिटेट बेस, तो हम उसके लिए लिखेंगे कि फॉर 1 मोल ऑफ एसिड एंड बेस, ये वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स हम हेल्प लेंगे इनकी मोलैरिटी से, कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्वड इन 1 dm³ और 1000 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि 1000 cm³ और ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स हाउ मच मोल्स, 0.5 मोल्स, क्योंकि सिमिलैरिटी 0.5 है। अब व्यूवर्स, हम कितना वॉल्यूम इनका यूज कर रहे हैं, 100 100, तो हम इधर इसको कह सकते हैं कि 1 cm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन नंबर ऑफ मोल 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, और 100 में ये आ जाएगा cm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन नंबर ऑफ मोल्स 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100, एंड दैट वुड बी 0.05 मोल। अब चूंकि एसिड और बेस दोनों की मोलैरिटी भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो हम इधर यहां पे कह सकते हैं कि 0.05 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 0.05 मोल्स ऑफ HCl। सो फॉर 1 मोल एंथैल्पी हो जाएगी हमारे पास, सो फॉर 1 मोल एंथैल्पी हमारे पास आ जाएगी व्यूअर्स
जो एक्चुअल वैल्यू आई थी -2.94 डिवाइडेड बाय 0.05, तो व्यूअर्स जो आंसर हमारे पास आ जाएगा डेट वुड बी -58.8 किलो जाउल पर मोल। और व्यूअर्स माइनस का साइन यहां पे शो कर रहा है कि दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और व्यूअर्स इसको हम यहां पे लिख देते हैं डेल्टा एच एन डेट इज -58.8 किलो जूल पर मोल इन केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।